हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको बताएंगे कस्टर्ड से बनी हुई स्वीट, जो कि गर्मियों के मौसम में तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। क्लिक करिए सब्सक्राइब बटन को ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आप लोग मिस ना करें। यहाँ पर हमने एक पैकेट दूध ले लिया है जो कि आधा लीटर है। एक पैन में हम चढ़ा देंगे और यहाँ पर हमने कस्टर्ड पाउडर ले लिया है, आप कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं। यहाँ पर हम 2 चम्मच डालेंगे इसमें, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें ठंडे दूध में इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। थोड़ा सा दूध डालेंगे, 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर आधे लीटर मिल्क में, और इस तरीके से अच्छे से मिलाएंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। गरम दूध में हमें नहीं मिलाना है, वरना ये बेकार हो जाएगा, इसमें गुठलियाँ तुरंत पड़ जाएंगी। और दूध बॉईल होने के बाद अच्छे से बॉईल हो जाए तब हम इस कस्टर्ड पाउडर को इसमें डालेंगे, और इसको बराबर कॉर्नर्स निकालते हुए चलाते रहना है, इसको हमें छोड़ना नहीं है। और आधा हो जाने पर हमने 2 चम्मच यहाँ पर चीनी डाली है। आप बिना चीनी के भी बना सकते हैं, आजकल तो लोग बिना चीनी की चीज़ें लाइक कर रहे हैं, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। शुगर जिस हिसाब से आपको डालना है या नहीं डालना है, इसको हम बराबर चलाएंगे। और थोड़ा गाढ़ा हो जाने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारा कस्टर्ड पाउडर, ये जो स्वीट है, ये तैयार होगी। ये देखिए, लगभग इस तरीके से होना चाहिए, बहुत गाढ़ा भी नहीं, बहुत पतला भी नहीं। हमने गैस ऑफ कर दिया और यहाँ पर हमने स्लाइसेस ले ली हैं 8 से 9। ये बेकरी वाली स्लाइस है, आप कोई भी ले सकते हैं। इसको इस तरीके से भी आप कट कर सकते हैं और गोल भी काट सकते हैं। हमने यहाँ पर एक कटोरी ले ली है और इस तरीके से निकाल लिया है, और ये कॉर्नर्स को हमें फेंकना नहीं है। इसकी कटलेट्स बन सकते हैं, इसके ब्रेड क्रम्स बन सकते हैं, काफ़ी यूज़ हो जाते हैं इनके। तो इसी तरीके से हम सारे ब्रेड को कॉर्नर्स निकालते हुए, आप गोल चौकोर जैसे आपको बनाना है कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने ऑयल चढ़ाया हुआ है, यहाँ पर देसी घी भी डाल सकते हैं, आधा देसी घी आधा ऑयल भी डाल सकते हैं। और 2-2, 3-3 करके इस तरीके से डालेंगे हम, और थोड़ा सा ब्राउन होने तक हम इसको पलटते रहेंगे। अच्छे से सिक जाने के बाद हम इसको निकालेंगे। वैसे तो कस्टर्ड हम कई तरीक़ों से खाते हैं, कस्टर्ड में हम फ्रूट्स डाल के खाते हैं, चेरी वगैरह डाल के खाते हैं। हम इस तरीके से बनाना आपको बता रहे हैं कि अलग ऑप्शन है थोड़ा सा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पर देखिए, हमारा ये कस्टर्ड पाउडर हमने थोड़ी देर फ्रिज में रख लिया था, जिससे ये अच्छे से सेट हो गया है। और अब हम इस ब्रेड के जो पीसेस हैं इसको थोड़ा सा दूर दूर कर लेंगे, और इसको इस तरीके से हम इसके ऊपर कस्टर्ड ये डाल देंगे। इसको आप डायरेक्ट ब्रेड को डिप कर भी कर सकते हैं, प्लेट में निकाल सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, और ये भी ऑप्शन आप कर सकते हैं। और इसको चिल्ड भी खाया जाता है और ऐसे भी खा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने टूटी फूटी ले लिया, कलरफुल जितने भी कलर के आते हैं आप ले लीजिए, और कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। 2 तरीके से हम आपको बता रहे हैं। अगर आप टूटी फूटी नहीं खाते हैं आप, तो ड्राई फ्रूट्स वाले बना सकते हैं। ये बच्चों को तो पसंद ही आता है, इस तरीके से आप बना कर देंगे, और बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ अगर आपको इस तरीके की हमारी कस्टर्ड की स्वीट अच्छी लगती है तो आप बनाइएगा, और अपने अनुभव हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ये देखिए, इस तरीके से हमने सारे बना लिए, और अब हम थोड़ी देर फ्रिज में इसको रख देंगे ताकि अच्छे से थोड़ा चिल्ड हो जाएगा, फिर हम सर्व करेंगे। इसी तरीके से आप भी करिए। थैंक यू वेरी मच।